फर्स्टली अ वेरी हैप्पी बर्थडे. लाइक कुछ ही घंटे बचे हैं बर्थडे स्टार्ट होने में. एक्चुअली तो कितनी एक्साइटमेंट रहती है बिकॉज काउंटडाउन तो अभी से ही चालू हो चुके हैं बर्थडे के. आई एम सुपर एक्साइटेड. तो मैं बताऊँ ये फैन जो है इतना स्पेशल फील करा देते हैं काउंटडाउन करा करा के. तो पिछले एक महीने से चला था हमारी डॉटर का बर्थडे आने वाला है, हमारी गुड़िया का बर्थडे आने वाला है. तो ये लोग बहुत स्पेशल फील करा देते. कभी कभी तो खुद पर डाउट हो जाता है इतना मैं डिजर्व कर दी वही ऐसा ही कुछ माइंड कर रही थी. नहीं इतना नहीं करती थी, ज़्यादा ही प्यार किया. तो ऑफ कोर्स बहुत खुश हूँ मैं, कितना सारा प्यार मिल रहा है एंड आई होप कि इस बार कितना बर्थडे स्पेशल होने वाला है बिकॉज हमने सुना कि फर्स्ट टाइम हम मुंबई में बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे. तो स्पेशल अपने आप में क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम मैं मुंबई में सेलिब्रेट करूँ. फर्स्ट टाइम इतना लंबा टाइम फर्स्ट आई अभी यहाँ. तो जब मैं मुंबई में आई तो यहाँ फर्स्ट बर्थडे मुंबई में, तो ऑफ कोर्स स्पेशल है. नए नए दोस्त मेरी पूरी गुड्डन टीम जिनके साथ मैं दिन में 12 घंटे रहती हूँ. तो आज ही हम लोग बात कर रहे थे कि इतना टाइम तो मुझे हमें लगता है कि हस्बैंड वाइफ साथ में नहीं बिताते जितना हम एक्टिव साथ में बिता लेते हैं. तो यहाँ ऑफ कोर्स तो उस पूरी टीम के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं. तो चालू हो गए बट गिफ्ट भी लाइक फ्री गिफ्ट भी आना चालू हो जाते हैं. कितने गिफ्ट अब तक मिल चुके हैं? तो मैं बताऊँ कितने सारे बुके जा रहे थे चलते. तो मैं सोचती क्या फिर बुके सारे बुके पर हाँ. तो फिर सब लोग खुश आस पास. अरे वाह हाँ अच्छा अच्छा हो रहा है. तो यार इस बार क्या स्पेशल गिफ्ट का सब घर वालों से तो मिलता ही रहता है. तो बाहर से क्या स्पेशल गिफ्ट मिल नहीं होगा मतलब मिलने वाला तो चीज़ पता ही नहीं होती ना कि क्या किससे एक्सपेक्ट कर रही थी. मतलब प्लान मैं तो सबसे एक्सपेक्ट करूँ, आप सबसे भी एक्सपेक्ट करूँ. तो हमेशा बर्थडे आता है सबको एक्साइटमेंट होती है. आपकी कितनी एक्साइटमेंट रहती है और कितने दिन पहले से ही प्लानिंग एंड प्लॉटिंग चालू हो जाती है? टू बी ऑनेस्ट एक्साइटमेंट बहुत सारी थी लेकिन प्लानिंग करने का ना टाइम ही नहीं होता है आजकल. तो बिल्कुल ही नहीं होता रहा है लाइक एक साल से जब से गुड़न सब देख रहे हैं गुड़न को. रोज सोचती थी आज तो ड्रेस लेने जाऊँ, आज तो पक्का से ड्रेस लेने. पर नहीं आज सच बताऊँ कि एक घंटे पहले ड्रेस बिल्कुल इतना भी टाइम लगेगा प्लान के लिए. टाइम से सब कुछ लास्ट हुआ है लेकिन एक्साइटमेंट बहुत टाइम से. मुझे लगता है पिछले साल जब बर्थडे गया होगा उससे अगले दिन से स्टार्ट होगी इसे लास्ट मिनट की तैयारी हुई है. बट काफ़ी छुट्टी लगी है तो कितना टाइम लगा था आज तैयार होने? टाइम बहुत सारा नहीं लगा क्योंकि फर्स्ट पैकेज थोड़ा लेट हुआ, पैकेज लेट
हुआ उसके बाद ये सब चीज़ों में भागा दौड़ी में लग गए सब कुछ, क्योंकि लास्ट मोमेंट हुआ है तो रेडी होने में इतना टाइम नहीं लगाया। सो इधर से मेकअप आर्टिस्ट लगी हुई, इधर से मैं खुद कर रही हूँ, इधर से वो हेयर स्टाइलिस्ट लगी हुई, इधर से मैं खुद कर रही हूँ, तो सब कुछ मिक्सचर फटाफट आधे घंटे में रेडी। तो इस बार का थीम क्या है? बर्थडे में हमेशा कोई ना कोई थीम होता है। इस बार हमने ग्लिटर थीम रखी है, तो सबको ग्लिटरी बन के आना था। तो मैं बोल रही थी कि जो ऐसे ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहता तो मैं समझ जाऊँगी, तो खुद को ऐसे शाइनिंग स्टार समझता है, भाई मैं ही ग्लिटर हूँ, मुझे कुछ और एक्स्ट्रा एफर्ट देने की जरूरत है। तो मैंने वो भी सबको बोला था, भाई किसी को ज़्यादा एफर्ट नहीं देना, उसको लगता है कि नहीं तो तुम शाइनिंग स्टार हो। तो सिंपल थी। ओके, तो अपार्ट फ्रॉम दिस आपकी शॉर्ट फिल्म, मतलब गुड डे की शॉर्ट फिल्म बिग बॉस में गई है, और कनिका की बेस्ट फ्रेंड आज बर्थडे में मैजिक नहीं है। दिलजीत, आई एम एक्चुअली मिसिंग यू। मेरे घर वाले तो मैं उससे भी ज़्यादा मिस करे थे। हाई दिलजीत, हाई तो देवर वेरी सैड एक्चुअली, लेकिन मैंने बोल के नहीं, ये खुश होने वाली बात है। मैं तो कहती हूँ अगले 3 महीने दिवाली भी हमारे साथ ना मनाए, और भी जो भी त्यौहार आ रहे हैं वो भी हमारे साथ ना मनाए अगले 3 महीने वाले, और घर में ही रहे और खूब सारे खेल के आए और जीत के आए। ये वाला मैसेज मैं इतनी बार ले चुकी हूँ कि आप सब प्यार करते रहिए, मैं प्यार करती हूँ, ये बहुत ही मतलब अब क्लीशे टाइप हो गया, लेकिन मैं सबसे मिलना चाहती हूँ, झप्पी पाना चाहती हूँ। सारे फैन जाएंगे बहुत।